बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या उसामा बुरी तरह से फंस गए हैं कोटा वाले मामले में? उसामा जिस फॉर्चुनर में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, क्या वो फॉर्चुनर चोरी की हुई थी? आखिर चोरी की फॉर्चुनर उसामा को थमाकर किसने फंसाने की कोशिश की? आखिर उसामा की तरफ से मानहानि के मुकदमे मीडिया पर किए जाने की बात क्यों चल रही है? दरअसल पटना में बैठे यूट्यूबर व कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग ऐसी खबर चला दिए, न जिसका पैर था न ही हाथ। उसामा जिस गाड़ी से दिल्ली से कोटा जा रहे थे, वो गाड़ी दिल्ली के नंबर की थी। जिस गाड़ी का नंबर था DL8CBA7702, लेकिन मीडिया व यूट्यूबर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कहकर खबर को प्रकाशित कर दिया। उसके बाद एक ये ट्रेंड चलाया जाने लगा कि उसामा जिस गाड़ी में थे, दरअसल वो गाड़ी चोरी की थी। यानी किसी भी तरह उसामा को चोर घोषित करने का ठेका यूट्यूबर व कुछ मीडिया के लोग लिए। उसके बाद कई तरह की अफवाह चली, लेकिन अभी जो खबर दिल्ली से मिल रही है, उस फॉर्चुनर गाड़ी को लेकर ये कुछ और ही बयां कर रही है। जिस फॉर्चुनर में उसामा थे, वो चोरी की थी, लेकिन कैसे थी चोरी की, ये आपको भी समझना चाहिए। दरअसल ये फॉर्चुनर उसामा के दोस्त इमरान के नाम से है। 21 जुलाई 2023 को ये गाड़ी दिल्ली के शाहीनबाग इलाके से चोरी हो गई थी। इसी संदर्भ में FIR किया गया था, जिसकी संख्या थी 022059। वहीं FIR कराने के बाद दिल्ली पुलिस अगस्त 2023 शुरू के ही महीने में ही गुजरात से इस गाड़ी को जब्त कर ली थी। उसके बाद उस गाड़ी के मालिक ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मेरे को जब्त कर ली गई है, अब मेरी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। वहीं कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए जिस फॉर्चुनर पर उसामा सवार थे, उस गाड़ी को इमरान को सौंप दिया, क्योंकि उस गाड़ी का मालिक इमरान ही थे। जब उसामा पकड़े गए थे, तो एक संदेह ये भी था कि जब चोरी की गाड़ी है तो ओरिजिनल नेम प्लेट कैसे लगा है। लेकिन अब उसामा की तरफ से अजय तिवारी फुल एक्शन में है। उनका कहना है कि जिस तरह पटना में बैठे लोग उसामा की गाड़ी चोरी कहकर बदनाम किए, जिस तरह षड्यंत्र रचे गए, इन लोगों को 3 दिन का समय देता हूं। बताएं आखिर किसके दबाव में इस तरह की खबर चलाए बिना पड़ताल की। अगर ये लोग 3 दिन के अंदर नहीं बताते हैं, तो दिल्ली से जाकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे।